लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। एमपी के जबलपुर की रहने वाली एक 12 साल की लड़की को उसकी ही मां ने नागपुर के कोठे में बेच दिया। लड़की लगातार 12 साल तक शोषण का शिकार होती रही। शोषण सहते सहते उसकी उम्र 24 साल हो गई। एक दिन उसे जबलपुर में रहने वाला एक युवक मिला और अपनी आपबीती बताई। युवक ने लड़की के परिजनों को तलाश कर जानकारी दी। इसके बाद पुलिस की मदद से परिजनों ने उसे नागपुर से मुक्त कराया। नागपुर से वापस आई शिल्पा बदला हुआ नाम ने बताया कि उसके पिता की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। जब वह 12 साल की थी, उसकी मां उसे बस में बैठाकर नागपुर ले गई। मां ने उससे कहा कि यहां पर तेरी पढ़ाई लिखाई हो जाएगी। इसके बाद उसे नहाने के लिए भेज दिया गया। जब वह नहाकर वापस आई तो उसकी मां गायब हो चुकी थी। इसके बाद वह उन लोगों के साथ रहने लगी। वे लोग ठीक नहीं थे। वे लोग नाबालिग लड़कियों को खरीद कर गलत काम में लगाते थे। बेटी को बेचने के बाद मां अपने पति को भी छोड़कर भाग गई। शिल्पा के परिजनों ने बताया कि उसकी मां की 4-5 साल पहले मौत हो चुकी है। परिवार में अब उसके पिता के अलावा एक छोटा भाई